हेलो फ्रेंड्स, सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूडाइस प्लस में यदि आपके यहाँ शिक्षक है उसको अपने स्कूल से उनको हटाना है तो उसको किस प्रकार से हटाएंगे, और यदि आप नए टीचर यदि आपके स्कूल में आए हैं तो उस टीचर की जानकारी को अपने स्कूल में कैसे शामिल करेंगे। तो आइए वीडियो के माध्यम से चलते हैं और यहाँ पर चलेंगे यूडाइस प्लस कोई भी ब्राउज़र ओपन करके और 2425 में चलेंगे। नीचे चलते हैं और सेकंड नंबर यहाँ पर यूडाइस जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर यूडाइस प्लस स्कूल डाटा कैप्चर लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। साथ ही यहाँ पर टीचर मॉड्यूल दिया गया है, टीचर मॉड्यूल को क्लिक करेंगे। टीचर का मॉड्यूल ओपन होने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो कैप्चर जो दिया गया है उस कैप्चर को यहाँ पर एंटर करने होंगे। फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के पश्चात आपके सामने क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसी ऐप टू फिल द डाटा दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे। साथ ही यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर इंपोर्ट टीचर दिया गया है और क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट दिया गया है। यहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर चलना है और इसको जो 4 लिखा है अर्थात इसमें 4 टीचर हैं और एक टीचर है यहाँ से हटाने होंगे जो यहाँ से प्रमोटेड है, तो इसलिए इसको 4 नंबर को मैं क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से ये प्रोफाइल ओपन होगा और राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ जनरल प्रोफाइल है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल है, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल है। इसको यदि आप अपडेट करना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक करेंगे और इसको अपडेट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है लिफ्ट स्कूल, अर्थात इस स्कूल से यदि यह टीचर प्रमोटेड हो गया है या ट्रांसफ़र हो गया है या रिटायर्ड हो गया है तो इस टीचर को यहाँ से आपको हटाने के लिए इस ऑप्शन का सिलेक्शन करने होंगे। तो इस ऑप्शन का सिलेक्शन करने से आपको पूछा जाएगा कि क्या आप इसको इस संस्था से हटाना चाहते हैं, तो उसको यस करेंगे और यह टीचर की जो जानकारी है इस स्कूल से हट जाएंगे। इस तरह से आप हटा पाएंगे। और यदि आप स्कूल में जोड़ना चाहते हैं, अपने स्कूल में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंपोर्ट टीचर दिया गया है, या इसको बैक करते हैं स्कूल डैशबोर्ड पर चलते हैं तो सबसे पहले आपके सामने ये दिया गया है इंपोर्ट टीचर। तो आपको इंपोर्ट करने के लिए दूसरे स्कूल से जिस स्कूल में वह कार्यरत था उस स्कूल से आपका जो प्रोफाइल है वहाँ से हटना अनिवार्य है। यदि आप वहाँ से नहीं हटाएंगे तो आप दूसरे स्कूल में आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप पूर्व के संस्था से अपने प्रोफाइल को वहाँ से डिलीट करने के लिए कहेंगे ताकि आप दूसरे स्कूल में आप इंपोर्ट कर सकें। तो चलिए इंपोर्ट करके देखते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए नेशनल टीचर कोड मांगा जा रहा है, साथ ही डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। तो इसमें नेशनल टीचर कोड आपको जानकारी नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गेट नेशनल टीचर कोड दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे और इसमें आधार नंबर इंटर करेंगे और आधार नंबर इंटर करने के पश्चात यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्शन करने के पश्चात, चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन कर देता हूँ और यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। फिर लेफ्ट में आएंगे और फिर यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, ये डेट ऑफ बर्थ होगा। फिर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको उनकी जानकारी दिखाई देंगे। यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड विद द गिवन आधार नंबर, यहाँ पर आधार नंबर कुछ गलतियाँ हैं और गलतियाँ के कारण यह दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर रिकॉर्ड आ जाएगा या यह टीचर दूसरे स्कूल में रहेगा और वहाँ से नहीं हटे रहेगा तो इसमें बताया जाएगा। तो चलिए कैंसिल करते हैं और यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करेंगे। जो टीचर का आपको नेशनल कोड जानकारी प्राप्त हो चुका है उसकी यहाँ पर करेंगे और साथ ही उसका डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर एंटर करेंगे। तो आपको गो पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है दिस टीचर एक्टिव इज अनदर स्कूल, अर्थात उस स्कूल से इस टीचर की जानकारी को डिलीट नहीं किया गया है, उनको उनकी प्रोफाइल को वहाँ से डिलीट नहीं किया गया है। तो सबसे पहले आपको यही कार्य करना होगा कि पूर्व की संस्था से इनको उस प्रोफाइल को हटाने होंगे तभी आप इसको ऐड कर पाएंगे। यदि ये वहाँ से हटने के पश्चात यहाँ पास इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा
उसको इंटर करना है और ओके पर क्लिक करेंगे और वह उसकी जानकारी यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको टीचर की जानकारी को अपनी संस्था में शामिल कर पाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे प्रकार की वीडियो की जानकारी के लिए सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।